या समस्त लोगों को साक्षी मानकर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने मेरा पतिव्रत भंग किया? हाँ तुलसी, मैं स्वीकार करता हूं। क्या समस्त लोगों को साक्षी मानकर आप ये भी स्वीकार करते हैं कि मेरे पति की मृत्यु आपके कारण हुई? मैं स्वीकार करता हूं। आपने आज तक एक सती स्त्री की केवल भक्ति देखी है नारायण, किंतु आज आप उसी सती स्त्री का प्रकोप देखेंगे। पाषाण का हृदय ही रहा होगा जिसने अपने भक्त का पतिव्रत भंग करने से पहले एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि उसके भक्त पर क्या बीतेगी। ऐसे पाषाण हृदय वाले नारायण, महाराज शंखचूड की भार्या तुलसी आपको श्राप दे रही है। कि आप स्वयं एक पाषाण में परिवर्तित होंगे। हां नारायण, और आपका वो पाषाण रूप चिरकाल तक एक भक्त की दृष्टि में आपके पतन का कारण रहेगा। मुझे तुम्हारा ये श्राप स्वीकार है तुलसी। किंतु तुम्हारे लिए ये समझना भी अनिवार्य है तुलसी कि जो मैंने किया उसका कारण क्या था। इस जन्म में तुम्हारे पति शंखचूड अपने पूर्व जन्म में मेरे भक्त थे। अपने अतीत के उस क्षण को स्मरण करो जिसके कारण तुम यहां आए। स्मरण करो तुम्हारा वो अहंकार श्रीदामा, तुम्हारा वो मुझसे मिलने का हट, राधा का तुम्हें श्राप देना और फिर मेरे द्वारा उस श्राप से मुक्ति का मार्ग निर्धारित करना। और श्रीदामा को उस श्राप से मुक्ति तभी मिल पाती जब तुम्हारे पति शंखचूड तुम्हारे पति व्रत से परिपूर्ण सुरक्षा कवच से वंचित हो जाते। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अपने एक भक्त के लिए, हां, इस प्रक्रिया में मैंने अपने दूसरे भक्त को बहुत दुख पहुंचाया है और मैं अपना ये अपराध स्वीकार करता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? बिना संपूर्ण सत्य जाने अपने ही आराध्य को, हे प्रभु, आपके इस कृत्य में मेरे स्वामी का उद्धार निहित था और मैं ये समझ ही नहीं सकी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
और इस श्राप को वापस लेने का कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए प्रभु। नहीं तुलसी, श्राप को निष्प्रभाव नहीं किया जा सकता। और सत्य तो ये है तुलसी, तुम्हारा ये श्राप मेरे और तुम्हारे पुनर्मिलन का निमित्त बनेगा। एक ऐसा निमित्त जो चिरकाल से है, उस मिलन का जो काल अतीत है, शाश्वत, जो पहले भी कई बार हो चुका है और भविष्य में भी होता रहेगा। तुम्हारे पतिव्रत के लिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं तुलसी, कि मुझसे पहले सदैव तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुलसी के जीवन की ये कैसी विडंबना है, उसके पतिव्रत के कारण ही शंखचूड़ आप तक पहुंच सका, उसे मुक्ति भी प्राप्त हुई और अब वही कितने कष्ट सह रही है। पति से विरह, अपने आराध्य के प्रति उसकी आस्था का भंग होना और अपने आराध्य को ही श्राप दे देना, यही नहीं, जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने इतनी बड़ी भूल कर दी है तो वो श्राप वापस भी नहीं ले पाई। इतना क्रोध, इतनी आत्मग्लानी, इतनी कुंठा, इतना दुख। स्वामी, और कितना कुछ सहन करना पड़ेगा उसे। शंखचूड़ के जीवन काल की पूर्ति हेतु तुलसी निमित्त अवश्य थी और उसके अंत पश्चात तुलसी की स्थिति उसका अपना कर्म फल है। शंखचूड़ की मृत्यु से जो उसे पीड़ा हुई है उसका कारण उसकी आसक्ति है। जब उसने अपने आराध्य के प्रति आस्था खोई उसका कारण उसकी अपनी अनिच्छा थी सत्य को समझने की, क्योंकि उसने लोहितांग पर विश्वास करने का चयन किया, अपने आराध्य पर नहीं। और संपूर्ण सत्य ज्ञात ना होने के कारण वो क्रोधित हो गई। क्रोध के कारण उसकी तर्क शक्ति क्षीण हो गई और उसने स्वयं नारायण को श्राप दिया। ये भी उसी की भूल है। किंतु स्वामी, उसके क्रोध का कारण ये भी था कि उसके सतत्व का अपमान हुआ था। हम भी अत्यंत क्रोधित होते हैं जब हमारे परिवार पर संकट आता है। हमने भी शंखचूड़ से क्रोधित होकर ही काली का स्वरूप धारण किया था। किंतु एक अंतर है पार्वती, काली के संहारक स्वरूप में भी तुमने समस्त जगत को हानि पहुंचाने से पूर्व अपने को नियंत्रित कर लिया। तुमने अपने दायित्व और अपने कर्मों का स्मरण रखा। किंतु तुलसी का क्रोध व्यक्तिगत था, जिसमें उसे कुछ और स्मरण नहीं रहा। और जब ऐसा क्रोध शांत होता है तो व्यक्ति को अपने निर्णयों पर आत्मग्लानी अवश्य होती है, जो अभी तुलसी को हो रही है। किंतु स्वामी, जब तुलसी ने नारायण को श्राप दिया तो नारायण ने उसे वरदान क्यों दिया?
वो क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुलसी में अपनी भूल का आभास करने का सामर्थ्य है, और यदि क्रोध का उत्तर क्रोध हो तो उसका परिणाम और अधिक क्रोध होता है। इसलिए नारायण ने क्रोध का उत्तर प्रेम से दिया, और इसका परिणाम होता है प्रेम। तुलसी की नारायण के प्रति भक्ति सच्ची रही है। नारायण ने वरदान देकर तुलसी की सच्ची भक्ति को भी स्वीकार किया है। अब तुलसी का पश्चाताप, उसे उसके समस्त दोषों से मुक्त करने का स्पष्टीकरण दूं भी तो क्या? सत्य ही तो कहा बांधवी ने, यदि महाराज शंखचूड़ युद्ध में सम्मिलित हुए तो केवल मेरे कारण, मेरी सहायता करने के लिए, और मैं अपने महाराज की रक्षा भी ना कर सका, बांधवी को दिया हुआ वचन नहीं निभा सका। वर्षों उनकी भक्ति करती रही, किंतु कभी उन्हें समझ ही नहीं पाई। ये कैसा विश्वास था जो एक क्षण में टूट गया? बांधवी ने इसे पिरोने के लिए कहा था मुझसे, कर दिया मैंने। मुझे तो महाराज शंखचूड़ को किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए था। ये माला उतार कर नारायण को सौंपने से पूर्व नारायण को ये छल करने से रोकना चाहिए था मुझे। जिस जीवन का दुरुपयोग मैंने नारायण को श्राप देके किया, उस जीवन का क्या मूल्य है? ये समय शोक और आत्मग्लानि का नहीं है। तुमने तुलसी को अपनी बांधवी कहा है, तुम्हारा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। जाओ लोहिता, ये माला उसे दो और उसे आश्वस्त करो कि तुम सदैव उसकी रक्षा करोगे। तुलसी को तुम्हारी आवश्यकता है लोहितांग, जाओ। अब इस अपराध बोध का भार सहन नहीं हो रहा है, इस जीवन की व्यर्थता का भार सहन नहीं हो रहा है। मुक्ति चाहिए मुझे नारायण, इस कष्टमय जीवन से मुक्ति चाहिए मुझे, इस आत्मग्लानि से मुक्ति चाहिए मुझे, मुझे मुक्ति दे दो नारायण, मुझे मुक्ति दे दो। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा पतिव्रत सच्चा है, तो मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। ये माला बना के लाया हूं मैं बांधवी, मुझ पर आपका विश्वास, अपने आराध्य के प्रति आपकी भक्ति और आपके पतिव्रत का प्रमाण है, और आपके पतिव्रत की पवित्रता सबको पुनः पिरो कर लाया हूं मैं। अब मैं इन्हें कभी नहीं बिखरने दूंगा, ले लीजिए इसे। बांधवी,
आप मुझे क्षमा ना कर क्रोधित रहिए मुझसे, मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, किंतु ऐसे मौन ना रहे। मुझे अपने से दूर ना करे बांध। अब इस संसार में मेरा मेरा आपके सिवाय है ही कौन जिसे मैं अपना कह सकूं। मां ने परित्याग कर दिया, मेरे मेरे भ्राता चले गए, मेरे मित्र मुझे छोड़कर चले गए। यदि आप भी अब मुझे अपने से दूर कर देंगी तो ये एकाकीपन मुझसे सहन नहीं होगा बांधवी। इस मौन की शून्यता मुझसे सहन नहीं होगी। मैं आश्वस्त करता हूं आपको, जो कुछ भी हुआ उसका प्रतिशोध मैं लूंगा अवश्य। बांधवी,